नुकसान होने नहीं बिक पा रहा है, मौला गया, सूख गया, कोई जगह नहीं, बैठने का जगह नहीं है, तो अपनाने का क्या जगह। सरकार से यही अपील है कि हम लोग का मार्केट स्थायी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि अभी हम हार्डिंग पार्क में हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरफ हम कहेंगे कैमरामैन को दिखाने के लिए कि पूरी जगह में देख रहे हैं आप कि फूल बेचा जाता है। जो माली समाज से हैं तमाम लोग यहाँ पर फूल बेचते हैं और गर्मी का मौसम है, इस मौसम में फूल को आखिर किस तरह से ये लोग रख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो फूल ठीक है वो फूल को इस तरह से रखा जा रहा है, और एक तस्वीर तो ये है जो फूलों की बेहतरीन तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, और ठीक इसके विपरीत जो दूसरी तस्वीर है आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि अगर ज़्यादा धूप होती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो फूल ख़राब हो जाता है। इनके पास रखने के लिए कोई भी फूल को व्यवस्था नहीं है कि अगर फूल हमारा 3 दिन 4 दिन रखा जाए तो वो फूल ठीक रहेगा और ख़राब हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आप लोग अपने फूल को रखते हैं इतनी गर्मी में। हम लोग फूल के गर्मी में इसी तरह से रखते हैं जहाँ पर छहरा देखते हैं वहाँ पर रखा जाता है, नहीं तो रौदा में रहता है तो 2-4 घंटा बिकता है, उसके बाद जो बच जाता है वो फेंका जाता है। जी हाँ, फेंका जाता है। इसके लिए कोई स्थायी जगह, कोई स्थायी तरीका? जी नहीं, हम लोग का कोई स्थायी जगह नहीं है। सरकार तो सीधे जानते हैं कि माली समाज है क्या, इसलिए हम लोग का अभी तक कोई जगह मिला है नहीं। इसके लिए मंडी मिल जाता तो हम लोग भी अच्छी तरह से फूल के रख सकते थे, सेवा भी कर सकते थे। फूल एक शुद्ध चीज़ें हैं जो कि मतलब पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, उसको आप इस तरह से ज़मीन पर रख रहे हैं। फूल माला पूजा पाठ बढ़िया शुद्ध चीज़ है जो कि बड़ा बड़ा पाठ होता है उसमें लगता है, नेता लोग बनते हैं उसमें माला हम लोग बढ़िया से बना करके पहनाते हैं। उस घड़ी सबके जय जयकार होता है माला के लिए कि माला चाहिए, लेकिन माला का कोई नहीं व्यवस्था रहने का कारण है कि जो कि हम लोग का ये परिस्थिति होता है। इसलिए हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोग का मंडी दिया जाए और जल्द दिया जाए, जिसमें कि हम लोग छोड़ के भागे नहीं फूल का कारोबार। ये बताइए कि इसमें तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, देख पा रहे हैं ये फूल यहाँ सूख रहे हैं। इस फूल को कहें कैमरामैन को दिखाने के लिए, आप देखिए कि ये फूल अब सूख रहा है, जैसे सूख जाएगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। इस तरफ कितनी बेहतरीन तस्वीरें हैं फूल की जो आपको हम कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए, लेकिन ठीक उसी तरफ उसके बगल में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो फूल ख़राब हो चुके हैं उसका कोई काम नहीं, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं उस फूल का। क्या ये आपका, ये पूरा ये आपकी दुकानें हुई? हाँ, दुकान मेरा ही है। ये फूल जो ख़राब हो रहे हैं तो इसका क्या इस्तेमाल में आएगा? मेन बात कहने का मतलब मैं, हम लोग का मंडी स्थायी नहीं है, मार्केट स्थायी नहीं है, इसका वजह से और घटा है। क्या जो खरीद कर लाते हैं आप लोग उतना भी निकल पाता है या नहीं? कभी कभी निकल पाता है तो उसमें नुकसान भी होता है, अभी नुकसान हो रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या कुछ अपील कहिएगा सरकार से, क्या अपील है आपकी? सरकार से यही अपील है कि हम लोग का मार्केट स्थायी चाहिए, जहाँ हम लोग कोई गुमटी या कोई घर जैसा बना करके, गोदाम जैसा बना करके हम लोग का स्थायी होना चाहिए। आप इस बात को समझिए कि देखिए किस तरह से यहाँ पर जो तमाम लोग हैं जो अपने फूलों को बेच रहे हैं। आपको बता दें कि हमने यहाँ पर तमाम फूल वालों से बात किया, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपने तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देखना है तो फॉलो ज़रूर करें। कैमरामैन शशि के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।